अब अपन बिच्छू में पाए जाने वाले सेंस ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बिच्छू में मेनली चार प्रकार के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करके बिच्छू के मस्तिष्क तक या सेरेब्रल गैंग्लियों तक पहुंचाते हैं। सबसे सर्वप्रथम आईज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बिच्छू में एक जोड़ी मीडियन लेटरल सुस्पष्ट कैरापेस रीजन में आईज पाई जाती हैं। इसके अलावा कैरापेस के एंटीरियर लेटरल पार्ट में 2 से 5 जोड़ी पार्शियल आईज भी पाई जाती हैं। बिच्छू की विभिन्न प्रजातियों में आँखों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। सेकंड है पैक्टिन्स। बिच्छू में एक जोड़ी पैक्टिन्स पाए जाते हैं। ये पैक्टिन्स 3 भागों में डिवाइड रहते हैं, स्टेम, सर्वप्रथम स्टेम, फिर साफ्ट और थर्ड है हैंडल। ये कंगिनोमा संरचना होती है जो विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। थर्ड है स्टिडुलेटिंग ऑर्गन्स। स्टिडुलेटिंग ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अर्थात ध्वनि को ग्रहण करने वाले सेंसरी ऑर्गन्स स्टिडुलेटिंग ऑर्गन्स कहलाते हैं। स्कॉर्पियन के सभी अपेंडेजेस पर, मेनली सिफेलोथोरेक्स के 4 फेयर्स अपेंडेजेस पर स्टिडुलेटिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो उत्पन्न ध्वनि को ग्रहण करके सेरेब्रल गैंग्लियों तक पहुंचाते हैं। सेंसरी हेयर्स स्कॉर्पियन के विभिन्न सेंसरी ऑर्गन्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये अपेंडेजेस के ट्राइकोब्रोथिया लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अरेक्निडा के सभी उपांगों में, अरेक्निडा क्लास के सभी जंतुओं के उपांगों पर पाए जाने वाले सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सीधे कोमल और लार्ज संरचना होती है। यह सेंसर हेयर्स वायु द्वारा उत्पन्न वाइब्रेशंस को ग्रहण करके स्कॉर्पियन के ब्रेन तक पहुंचाते हैं। थैंक यू।